नमस्कार दोस्तों, आज मैं डॉक्टर कोमलप्रीत कौर बात करने जा रही हूँ कि कैसे हम मेडिटेशन करें और अपने मन के विचारों को शांत करें। दोस्तों, बहुत बार हमारे माइंड में वेरियस थॉट्स आते रहते हैं, कभी ये थॉट आता है, कभी ये थॉट आता है। उन थॉट्स को कंट्रोल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जब हम उन थॉट्स को कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो हम एक्चुअली अपने लाइफ को बैलेंस करना सीख जाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बताऊंगी जिसकी मदद से आप अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एक शांत वातावरण को ढूंढना है, यानी एक शांत एटमॉस्फेयर में आपने बैठना है। कुछ भी हो सकता है, वो आपके घर की कोई शांत प्लेस हो सकती है, कोई एक सुंदर सा गार्डन हो सकता है, कहीं पर जहाँ पर कंप्लीटली शांत है। और आपने ध्यान रखना है कि वहाँ पर आपका ना मोबाइल फ़ोन हो, ना टीवी हो, ना कोई भी ऐसी डिस्ट्रैक्शन हो जो आपको एक्चुअली डिस्ट्रैक्ट कर सके। तो दोस्तों, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद सिंपली आपने पोस्चर बनाना है। आप किसी भी अवस्था में बैठ सकते हैं, बट अगर आप इस तरीके का पोस्चर बनाएंगे जिसमें आपने दोनों हाथों की टिप्स को, दोनों इंडेक्स फिंगर एंड थंब की टिप्स को आपने ज्वाइन करना है दोनों हाथों को, इसको हम कहते हैं ज्ञान मुद्रा। आप ज्ञान मुद्रा बनाएं और उसके बाद आपने अपनी आँखों को धीरे से बंद करना है लाइक दिस, और उसके बाद गहरा लंबा श्वास लेना है। आपने नाक से श्वास लेना है और मुंह से छोड़ना है। सिर्फ और सिर्फ आपने ध्यान रखना है अपनी श्वासों पर, यानी कि आपने अपनी श्वासों की आवन जावन को देखना है। आप कैसे श्वास ले रहे हैं और कैसे आप श्वास छोड़ रहे हैं। दोस्तों, शुरुआत में ये करने में शायद दिक्कत आ सकती है, क्योंकि मन आपका बहुत चंचल है। जब आप ऐसे अपने ब्रीदिंग पैटर्न पे कंसंट्रेट करेंगे तो बहुत सारे वेरियस थॉट्स, ये विचार सब आपके माइंड में जंबल्ड अप होंगे। बट उसमें भी आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपने, जब भी आपको लगे, आपने अपना ध्यान अपनी श्वासों पर लगाना है, श्वासों की आवन जावन को देखना है। फिर आपका माइंड अगर किसी और विचार पे जा रहा है, वापस आपने अपनी श्वासों पर लेकर आना है, फिर श्वासों की आवन जावन को देखना है। आप कैसे श्वास ले रहे हैं, कैसे श्वास छोड़ रहे हैं। दोस्तों, जब आप इस प्रक्रिया को कुछ दिन तक दोहराएंगे, आप देखेंगे कि आपके माइंड के थॉट्स को आप एक्चुअली अपने माइंड को कंट्रोल कर पा रहे हैं। जिस थॉट को आपने नहीं आने देना, जो आपको लगता है कि आपके लाइफ को हैम्पर कर रहा है, आप आसानी से उन थॉट्स पे कंट्रोल पा सकते हैं। और जब आप ये प्रैक्टिस शुरू करेंगे, आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद आपको अपने अंदर ही बहुत सारे चेंजेस नज़र आएंगे। और अगर स्टूडेंट्स ये टेक्निक करते हैं तो उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा एनहांस होती है, उनकी मेमोरी बहुत एनहांस होती है। तो दोस्तों, ये एक सिंपल सी टेक्निक है, और इसको अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस पाएंगे। तो इस सिंपल से टेक्निक को आप प्रैक्टिस करना शुरू करें और अपने डे टू डे पैटर्न के अंदर चेंजेस फील करना शुरू करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।